जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र में वीरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शमशान के ये देवता कह सकते हैं हम इनको। तो बहुत से मनुष्य, मतलब जो गुनिया लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, वो इन वीरों से काम करवाते हैं। वीरों को भोग दे करके उनसे अपना इच्छित कार्य करवा लेते हैं। किसी के यहाँ भेजना रहा तो भेज भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को इन वीरों के नाम याद होना चाहिए। एक तरीके से ये भैरव रूप तो नहीं होते हैं, परंतु भैरव जी की सेना में शामिल अवश्य रहते हैं। जब भी भैरव जी को कोई सजा देना होती है तो वो इन्हीं वीरों में से किसी वीर को भेज देते हैं, वो मनुष्य को सजा मिल जाती है। तो आज आपको ये तंत्र का एक गुप्त रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि वास्तव में बीमारी क्यों आती है। और यदि किसी को बीमारी आ गई कम उम्र में, तो उस बीमारी का आध्यात्मिक इलाज करने पर वह जल्दी ठीक हो जाती है। इसीलिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, और अभी भी कुछ कुछ जगह गांव में पीलिया को झाड़ा जाता है। शरीर पर बड़े बड़े फफोले उड़ जाते हैं, जिनको मोतीझरा वीर कहा जाता है, कि मोतीझरा निकल गया, उसको भी झाड़ा जाता है। कलुआ वीर होता है, उसको झाड़ा जाता है। झाड़ने का मतलब हो गया तंत्र मंत्र के माध्यम से उसको बंधन करके बाहर निकाल देते हैं। तो हम उन्हीं वीरों के नाम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। बोल श्री काल भैरव जी महाकाल की जय। जय श्री महाकाल महाराज की जय। क्षेत्रपाल वीर, ये जो वीर होते हैं क्षेत्रपाल वीर, ये वीर प्रत्येक गांव या प्रत्येक शहर में होते हैं। अपने क्षेत्र के एक वीर होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा तिराहे पर, चौराहे पर कोई डलिया रख जाता है उतारा करके, कोई नारियल रख देता है, कोई नींबू रख देता है, कोई भूरा कद्दू रख देता है, कोई पीला कद्दू रख देता है, कोई मिठाई रख देता है। तो ये जो मिठाई रखी जाती है या उतारे का सामान रखा जाता है, ये क्षेत्रपाल वीर के नाम से रखा जाता है। कि यदि कोई ऐसी बीमारी जो स्थानीय लेवल पर लग गई है, कोई प्रेत लग गया है, कोई नज़र दोष लग गई है, तो ये क्षेत्रपाल वीर उस चीज़ को हटा देते हैं। इसलिए तिराहे पर विशेष तौर से, चौराहे पर और शहर की कोई भी पुलिया होती है, उन पे इनका पहरा होता है। ये क्षेत्रपाल वीर कहलाते हैं। तो यदि किसी मनुष्य को शुरू शुरू में छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए, नज़र दोष लग जाए, तो क्षेत्रपाल वीर का उतारा करके रात के समय में कोई टोका टाकी ना करें, आपको तिराहे चौराहे पर पहुंचा देना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे नज़र दोष और आपके कई बार टोने टोटके हो जाते हैं छोटे मोटे, वो टोने टोटके इससे कट जाते। तो इनका एक उतारा होता है। अब उतारा क्या होता है, उतारे में कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, इसके लिए आपको देवराधा ट्रस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ से आपको इसकी सूची प्राप्त हो सकती है, और वो कार्य करने पर निश्चित तौर से रुके हुए काम भी ठीक हो सकते हैं और रोग शोक दुख कम हो सकते हैं। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा कोई भी कार्य निःशुल्क नहीं किया जाता है। आपको जो भी चीज़ चाहिए सशुल्क है। कपिल वीर, बटुक वीर, नरसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, काल वीर, स्वर्ण वीर, रक्त स्वर्ण वीर, देवसेन वीर, घंटापट वीर, रुद्र वीर,
इस प्रकार से ये 52 वीरों के नाम हैं, और भी नाम हैं। यदि आपको इन 52 वीरों के नाम चाहिए तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। मेरा धर्म था आपको केवल ज्ञान देना कि वीरों के माध्यम से गुनिया लोग, भोपा लोग, ओझा लोग, पंडा पुजारी भगत भेंट देकर के वीरों को आपके यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे मनुष्य को रोग लग जाते हैं। जैसा वीर होता है वैसा रोग लगता है। जैसे भूत भैरव वीर, अगर कोई मनुष्य इनको प्रसन्न कर लेता है शमशान में जाकर के, तो ये मनुष्य के यहाँ पे भूत बन करके उसके यहाँ जाकर के नुकसान करना चालू कर देते हैं। नुकसान करने का मतलब हो गया दुकानदारी रुक जाती है, व्यवसाय रोक देते हैं। कोई व्यक्ति यदि विवाह के लिए देखने आ रहा है तो उसे नहीं आने देते हैं, और यदि आ गया है तो उसके मन में नेगेटिव विचारधारा डाल देते हैं। भूत भैरव वीर। इसी प्रकार से पितृवीर होते हैं, घंटा कर्ण वीर भी होते हैं, विद्याधर वीर होते हैं, महाकाल वीर होते हैं। तो ये जितने भी वीर होते हैं यह सब अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। बस एक व्यक्ति इनको भोग देकर के ही सिद्ध कर सकता है, और जब भी इनको सिद्ध किया जाता है तो गुरु के सानिध्य में रहकर के सिद्ध करें, गुरु से स्वीकृति लेकर के करें, गुरु से रक्षा कवच लेकर के करें। अपनी शरीर की भी रक्षा करें, अपने आसन की भी रक्षा करें, अपनी आत्मा की भी रक्षा करें, और अपने परिवार की भी रक्षा करने के बाद में फिर इनको सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भोग देकर के ही प्रसन्न होकर के जाती है, बिना भोग दिए नहीं जाती है। कुछ व्यक्ति इनको बलि भी देते हैं, कोई व्यक्ति इनको मुर्गे की बलि देता है, कोई बकरे की बलि देता है, कोई सुअर की बलि देता है। जिसका जैसा नियम होता है वैसे नियम को भेंट देना होती है। तो ये निश्चित तौर से अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। जैसे किसी के पैसे फंस गए, किसी ने कोई उधार पैसे लेके गया था, या आपने उधार दिया और व्यक्ति अब उधार नहीं दे रहा है, पैसे होने के बावजूद भी उसकी नीयत बदल गई, तो आप ये मान करके चलें इन वीरों में से बहुत सारे वीर ऐसे हैं जो पैसे उधार पैसे को लाने का काम करते हैं। यानी आप उस व्यक्ति के यहाँ पे जिसने आपसे पैसे उधार लिए उसके यहाँ इन वीरों को भेज करके उसके घर में तबाही मचा सकते हैं, उसके यहाँ मृत्यु तक हो सकती है, उसके यहाँ कैंसर भी लग सकता है, उसके यहाँ किडनी खराब हो सकती है, उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें 2-4 राणे पैर में डल सकती है। यदि पैसा होने के बावजूद भी मनुष्य की नीयत खराब हो गई है और आपने इन वीरों में से किसी 2-4 वीर को भेज दिया तो उसका घर तबाह हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिससे भी पैसा उधार लो उसको पैसा मैं ब्याज के वापिस करो। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति के पास पैसा भी होता है, इधर उधर से पैसा खा भी जाता है और फिर कष्ट भोगता है। तो ये बहुत से मनुष्य हमारे पास आते हैं कि साहब हमने पैसा उधार दिया था, उसकी मदद की, उसकी माँ बीमार थी तब मदद की, उसका भाई बीमार था तब मदद किया, उसके यहाँ बच्चा होने वाला था तब मदद किया, उसका मकान बन रहा था तब मदद किया, उसने जब ज़मीन खरीदी तब मदद की, और अब पैसा नहीं दे रहा है। जब उसने व्यवसाय चलाया तो पैसे की ज़रूरत थी तो हमने मदद की, अब व्यवसाय अच्छा चल रहा है, धन भी आ रहा है, अपने होटल पार्टियों में उड़ा रहे हैं, पर हमारा धन नहीं दे रहे। तो ऐसे मनुष्यों के यहाँ आप अक्सर देखना, एक समय के बाद में ये वीर जाकर के, क्योंकि कोई ना कोई मनुष्य अपने पैसे की रिकवरी कराने के लिए किसी न किसी तांत्रिक को तो पकड़ता है, तो ये वो तांत्रिक बलि देकर के शमशान में, शमशान की पूजा देकर के, शमशान की भेंट देकर के इनमें से जो सिद्ध होते हैं उनको भेज देता है। और जब वो आपके घर पे आ जाते हैं, जिनने पैसा उधार लिया उसके घर को धीरे धीरे तबाह कर देते हैं, स्त्रियों को चरित्रहीन कर देते हैं, उनके यहाँ तरह तरह की लाइलाज बीमारियाँ लग जाती है।
फिर आप कहोगे यार बीमारियां लग गई है तो ये ऐसे कैसे हो गया, इसका दिमाग कैसे ख़राब हो गया, ये लड़ाई झगड़ा क्यों करने लग गई। कई बार तो जो बहुएं होती है वह घर छोड़ के भाग जाती है। तो घरों के अंदर जो कई बार अचानक कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, तो आप समझ के चलो कि आपने किसी का पैसा खाया हुआ है, या आपने किसी के साथ धोखा किया है, या आपने किसी ने किसी के साथ में दोगलापन किया है। इसीलिए उस व्यक्ति के द्वारा आप कि यहाँ पर तंत्र विद्या कर दी जाती है, और तंत्र विद्या के लिए ये वीर आपके पास आते हैं। तो क्षेत्रपाल वीर, कपिल वीर, बटुक वीर, नरसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर, गरुड़ वीर, महावीर, काल वीर, स्वर्ण वीर, रक्त स्वर्ण वीर, देवसेन वीर, घंटापथ वीर, रुद्र वीर, तेरा संग वीर, वरुण वीर, गंधर्व वीर, हंस वीर, लोखंडिया वीर, वही वीर, प्रिय मित्र वीर, कारु वीर, अदृश्य वीर, वल्लभ वीर, वज्र वीर, महाकाल वीर, महालाभ वीर। तो ऐसे ये 52 वीरों के नाम हैं। यदि जिस किसी को भी चाहिए देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है, वीरों की लिस्ट दी जा सकती है। इसको सिद्ध कैसे करें यह भी आपको बताया जा सकता है। यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो साथ में रह करके इन वीरों को, इनमें से कुछ वीरों को सिद्ध कर सकते हो भेंट पूजा दे करके। भेंट पूजा कैसे दी जाती है वह भी आपको बताया जाएगा, और अपने घर की रक्षा, अपनी रक्षा, बच्चों की रक्षा इन वीरों से कैसे करें यह भी आपको सिखाया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मैं वर्तमान में कामाख्या में हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को ये 52 वीर में से कुछ वीर की सिद्धि लेना हो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। कोई भी कार्य निःशुल्क नहीं है। 7649862712, 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। 7987237885 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना पूरा परिचय दे करके अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। वहाँ से आपको अधिक सूचना प्राप्त हो जाएगी। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय।